दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक तिहाई सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। जी हां देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक तिहाई सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। बता दें कि शुक्रवार को सराय रंजन के नरगोगी में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं व लड़कियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं देखिए आगे उन्होंने कहा कि सूबे में जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं सभी में छात्राओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होगी। साथ ही आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले के उजियारपुर और कल्याणपुर प्रखंड में 66 करोड़ से अधिक की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय स्कूल खुलेगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा चुका है। वहीं आगे देखिए, समस्तीपुर में सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बिहार के हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। जी हां देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। हर जगह इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं। सभी राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं देखिए, सीएम नीतीश ने आगे कहा कि लड़कियां पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, लड़कियां यदि शिक्षित होगी तो प्रजनन दर भी घटेगा, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा समझ है, लड़के को कम है। आप देखते हैं कि हमारा क्षेत्रफल कितना कम है, बेमतलब आबादी बढ़ रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम लेते हुए कहा कि जब जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उस समय मैंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेजों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की, लेकिन आज के लोग कोई काम करते हैं, किसी की सुनते हैं, किसी राज्य का विकास चाहते हैं। पूर्व के लोग जिनका नाम मैंने लिया वे ही इनके असली नेता वही थे, पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष। वर्तमान के लोग केवल केस करने में विश्वास करते हैं। वही बड़ी खबर में देखे, नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जीवन भर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये अटल वाडवाने वाली भाजपा नहीं, लालू को दी क्लीन चिट। जी हां देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर से कहा कि वह बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज कल जो लोग है वो क्या किसी के सुनते है, किसी से बात करते है या किसी राज्य का विकास करते है। अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी ये सब काम करते थे। उन्होंने आगे कहा कि ये नेता बीजेपी को बनाने वाले थे, अब ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, हम तो अलग हो गए और जीवन भर उनके साथ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोले। वहीं देखिए, उन्होंने लालू यादव को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जब वह एनडीए में थे तो यादव पर कोई केस नहीं होता था, जैसे ही लालू यादव के साथ आए तो वह ये लोग लगातार केस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे और समाजवादियों को मजबूत करेंगे और देश का उत्थान करेंगे। साथ ही देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली बार महागठबंधन टूटने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी वाले झूठा लालू यादव पर आरोप लगाया था, इस मामले में कुछ नहीं हुआ। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जब फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो फिर से लालू यादव को फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, आरजेडी विधायक अनिल सैनी की विधायकी खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। जी हां देखिए, बिहार विधानसभा से इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। आरजेडी के विधायक रहे अनिल कुमार सैनी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। वहीं देखिए, अनिल कुमार सैनी की विधायकी खत्म करने से जुड़ी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ एक मामले में दिल्ली की अदालत ने सजा का ऐलान किया था, इसके बाद से उनकी सदस्यता जानी थी, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी खत्म करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। देखिए, अनिल सहनी फिलहाल आरजेडी के विधायक थे। अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने यात्रा किए बगैर ही जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से 23,71,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी, वही जाने इस बार कितना एमएसपी मिलेगा। जी हां देखिए, बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार बिहार सरकार प्रदेश में अगले माह यानी नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर देगा। वही देखिए, सरकार ने इसकी तैयारी राज्य भर में अभी से शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस बार नीतीश सरकार ने 45,00,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अगले माह यानी नवंबर की पहली तारीख से उत्तर और दक्षिण बिहार
में धान की खरीदी शुरू की जाएगी। वहीं देखिए खरीफ सत्र 2022-23 में ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए और साधारण धान के लिए MSP 2040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं देखिए इस साल भी पिछले वर्ष की तरह 45 लाख मीट्रिक टन धान और 20 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देखिए इस बार 31 मार्च 2023 तक धान की खरीदी जारी रहेगी। इस अवधि में किसान अपने क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों पर धान की बिक्री कर सकते हैं। बाड़ी खबर में देखिए बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ा। नेपाल में बारिश के कारण खोले गए कोसी बराज के 17 फाटक गंगा घाघरा भी उफान पर। जहाँ देखिए नेपाल स्थित कोसी के जल अधिग्रहण क्षेत्र एवं सीमावर्ती भारतीय प्रभाग में विगत 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है। वही देखिए सीमावर्ती क्षेत्र और नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी के जलस्तर में उछाल दिखा जा रहा है। वही देखिए कोसी बराज के 17 फाटक खोल दिए गए हैं। बुधवार को कोसी का डिस्चार्ज करीब 2.25 लाख क्यूसेक हो गया था। गुरुवार के शाम 6 बजे वीरपुर स्थित कोसी बराज पर नदी के कुल डिस्चार्ज 1,28,705 क्यूसेक दर्ज किया गया। वहीं देखिए सारण जिले के पश्चिम दक्षिण से बहने वाली घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं इसके अगले 1 से 2 दिन तक चरम पर जाने की संभावना है। इसको लेकर बाढ़ नियंत्रण के पदाधिकारी तटबंधों आदि के सुरक्षात्मक उपाय में लगे हुए हैं। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल घटा हुआ है, लेकिन फिर नेपाल में बारिश होने के कारण पानी बढ़ने की संभावना है। वहीं गंगा और घाघरा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़ी खबर में देखिए तेजस्वी यादव कल अचानक पहुंचे पटना NMCH। गड़बड़ी मिलने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को किया सस्पेंड। जहाँ देखिए बिहार के राजधानी के बड़े अस्पताल NMCH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह निलंबित हो गए हैं। गुरुवार की रात उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने NMCH का औचक निरीक्षण किया था। बता दें कि उन्होंने वहां कई तरह की अनियमितताएं पाई थी, खासकर मरीजों के बेड को लेकर अव्यवस्था थी। डेंगू के मरीज को सामान्य मरीज के साथ रखा गया था। यही नहीं, कई मरीज ने भी व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायतें की थी। वहीं इसके बाद डिप्टी CM ने भी गहरी नाराजगी प्रकट की थी। डॉक्टर विनोद के सस्पेंड होने के बाद IMA भड़क गया है और शनिवार को आपात बैठक बुलाई है। बड़ी खबर में देखिए सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश की तिथियां घोषित। जहाँ देखिए कोरोना संक्रमण के कारण भले ही पिछले 2 साल आवासीय विद्यालय में नामांकन देरी हुई है, लेकिन इस वर्ष 2023 में आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया समय से होगी। वहीं देखिए तमाम आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा। इसके लिए अक्टूबर अंतिम सप्ताह में तिथि जारी की जाएगी। वहीं देखिए आपको बता दें कि सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ली जाती है। परीक्षा जनवरी 2023 में होगी। 6 कक्षा में प्रवेश के लिए गणित, इंटेलिजेंस, भाषा, सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। कुल 300 अंकों की परीक्षा होती है। वहीं 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। देश भर में 33 शहरों में सैनिक स्कूल है। इसमें बिहार में नालंदा और गोपालगंज में 1-1 सैनिक स्कूल है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, गणित, भाषा की परीक्षा होगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब डाकघर से बुक करा सकते हैं ट्रेन का टिकट। जहाँ देखिए भारतीय रेलवे ने ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए टिकट बुक करना अब और भी सुविधाजनक कर दिया है। दरअसल रेलवे ने राज्य भर के लगभग 5,000 विभिन्न डाकघरों में टिकट बुक कराने की व्यवस्था की है। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद रेल यात्री टिकट लेने में परेशानी नहीं होगी, यानी रेल यात्री बिना किसी परेशानी के अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से टिकट ले सकेंगे। तो वहीं देखिए बिहार डाक सर्किल मार्च 2023 तक पटना समेत राज्य भर के 5,000 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा देने जा रही है। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाके लोग भी आसानी से बिना रेलवे स्टेशन गए आसानी से रेल टिकट बुक करा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन से दूर दराज में रहने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने डाकघरों में रेल आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि रेल रिजर्वेशन के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़े। आगे बड़ी खबर में देखिए बिहार में 2000 से अधिक पदों पर मिलेगी नौकरी, सरकार करने जा रही शराबबंदी पर और सख्ती। जहां देखिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बिहार मद निषेध अवर सेवा में विभिन्न कोड़ी के 905 पद सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकतर कर्मियों के 1420 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव S. सिद्धार्थ ने बताया कि शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के
लिए 905 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति की गई है। वहीं नए पद के स्वीकृति के बाद जिले में मोबाइल दल गठित किया जाएगा जो नियमित छापेमारी एवं शराब माफियों के विरुद्ध सघन कार्रवाई करेगा। वहीं देखिए पटना जिले में 6, भागलपुर व पश्चिम चंपारण में 2-2 जबकि अरवल, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, शेखपुरा एवं सीवर को छोड़कर एक एक दल गठित किया जा सकेगा। वहीं इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत 16 जांच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद निषेध सिपाही की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जा सकेगी। इसके अलावा राज्य के 15 आशावानियों को भी सुपरविजन नियमित रूप से किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग ट्रेनी के 864 पदों पर भर्ती, वेतन 40,000 रुपए मासिक। जी हाँ, देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनटीपीसी की इस वैकेंसी में गेट 2022 से पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वही देखिये इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 11 नवम्बर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वही एनटीपीसी की इस भर्ती में कुल 864 ट्रेनी पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। आपको बता दें कि इस संबंध में 14 अक्टूबर को एनटीपीसी ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, दिवाली पर बिहार के 4 शहरों में पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध, बिक्री पर भी लगाई गई रोक। जी हां देखिए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में किसी तरह के पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। आपको बता दें कि वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण की मात्रा के मद्देनजर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। वही देखिये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विश्लेषक अरुण कुमार का कहना है कि पटाखों से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में प्रदूषण की मात्रा पहले से ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसे में बोर्ड इन शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। देखिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर जंक्शन बनेगा स्मार्ट स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी मिलेगी सुविधा। जी हां देखिए, बिहार में स्मार्ट सिटी में शामिल भागलपुर को स्मार्ट स्टेशन का भी तोहफा मिला है। गति शक्ति योजना के तहत स्मार्ट स्टेशन बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं विकसित की जाएगी और उसी अनुरूप स्टेशन का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रोजेक्ट तौर पर 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना के तहत भागलपुर के अलावा सुल्तानगंज स्टेशन का भी चयन हुआ है। इसके पहले चरण में भागलपुर स्टेशन को विकसित किया जाएगा, इसके बाद सुल्तानगंज स्टेशन को। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में अगले 4 साल में यह योजना पूरी हो जाएगी। यह जानकारी मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने शनिवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में देश के 70 स्टेशनों का ही चयन किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार के 11 जिलों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित, हर परिवार को मिलेगा 3500 रुपए। जी हां देखिए बड़ी खबर है, राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में 30% से अधिक की बारिश में कमी और 70% के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। वहीं देखिए राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को भी राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। वहीं देखिए बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7,841 गांव के सभी टोले बसावटे को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांव के सभी परिवार को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब परिवारों के सर्वे का काम जल्दी शुरू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा 60% और अगस्त में 37% कम हुई है। वहीं देखिए सूखाग्रस्त गांव के हर परिवार को विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार 3500 रुपए देगी। गांव चिन्हित कर लिए गए हैं, अब इन गांवों का सर्वे कर परिवारों की सूची बनेगी। इसके बाद हर परिवार के खाते में 3500 का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।